आज हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोविट ई टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कैसे यूज़ करना है, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स इससे पहले बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोविट टैबलेट जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके मार्केट प्राइस की बात कर लें फ्रेंड्स तो ये 50 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है। और आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं इस टैबलेट के फ़ायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स इससे पहले इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इथाम साइलेट 500 mg होता है प्रत्येक टैबलेट में। इस टैबलेट का यूज़ फ्रेंड्स ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। ब्लीडिंग चाहे जैसे भी हो, जैसे कि नाक से खून निकलना या मुंह से खून निकलना या महिलाओं में पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना, इन सबको ठीक करने के लिए किया जाता है। ब्लीडिंग फ्रेंड्स चाहे जैसे भी हो, चाहे चोट लग गई हो तो ब्लड निकल रहा हो तो उसको भी रोकने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और आइए फ्रेंड जान लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति इस टैबलेट को सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। तो फ्रेंड्स इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेनी चाहिए। और आइए फ्रेंड जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट तो वैसे बहुत ही कम हैं, लेकिन किसी किसी को जैसे जी मचलाना, उल्टी की समस्या, दस्त की समस्या, सर दर्द या त्वचा में खुजली होना, त्वचा में दाने निकलना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऐसी कोई समस्या होती है इस टैबलेट को लेने के बाद तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वर्क है इस टैबलेट का और ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की जानकारी स्ट्रेप्टोविट टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।